स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए, ध्वनिमत से हुआ फैसला। पहले ही संबोधन में स्पीकर ओम बिरला ने की इमरजेंसी की निंदा, विपक्ष का हंगामा। दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार, मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ी। सुनीता केजरीवाल बोली, पूरा सिस्टम इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। संसद में बोले राहुल गांधी, सरकार के पास शक्ति है लेकिन विपक्ष भी देश की आवाज है। दिल्ली बर्गर किंग गोलीबारी में सीसीटीवी फुटेज शेयर करने पर दो पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। फिलिस्तीन विवाद पर बोले गिरिराज सिंह, ओबीसी ने जिस तरह से संसद में शपथ ली, पूरे देश का अपमान हुआ। दिल्ली में अगले दो दिनों में बारिश की उम्मीद, उत्तराखंड यूपी के कुछ इलाकों में इस हफ्ते हो सकती है वर्षा। नीट यूजी धांधली में सीबीआई का एक्शन तेज, दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में शिविर के अंदर ग्रेनेड विस्फोट से हादसा, एक सैनिक हुआ घायल। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने शेष सत्र के लिए किया निलंबित। तमिलनाडु सरकार ने कल्ला कुरीची शराब त्रासदी पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा 10 दिन का वक्त। बेंगलुरु में आज से नंदिनी दूध की कीमतों में 2 रुपए की होगी बढ़ोतरी। अमेरिका के लास वेगास में गोलीबारी में 5 लोगों की हुई मौत, हमलावर ने किया सुसाइड। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।